पहले हर अच्छी बात को मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और उसके बाद उसको स्वीकार किया जाता है। यही जिंदगी है और ऐसा ही चलने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्नीचर गुरु में। मैं अनस, फाउंडर सीईओ अनस हैंडीक्राफ्ट। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, इंसान का काम बोलता है और हमारे जो प्यारे मजदूर प्यारे कारीगर हैं उनका काम बोल रहा है अनस हैंडीक्राफ्ट में। हम लोगों ने 47 ईयर्स फर्नीचर इंडस्ट्री को दिया है और मेरा अभियान भी और मिशन भी यही है कि जितनी भी जिंदगी है मैं पूरे हैंडीक्राफ्ट को ही दूँ। और मैं सब हिंदुस्तानियों को बोलता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करिए। एक सोफा बनने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत मेहनत जाती है। उसमें पॉलिश वाला, उसमें कारपेंटर, उसमें डायर, उसमें लोडिंग वाला, अनलोडिंग वाला, कुशनिंग वाला, बहुत जाकर एक सोफा बनता है। और ये हाथ से बनता है, और जब कोई चीज़ हाथ से बनती है तो उसमें ब्यूटी अलग आती है, उसमें एक इमोशन होता है, एक फीलिंग्स होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें हमारे हाथ से ही बनी हुई है, हमारे प्यारे मजदूर हमारे प्यारे कारीगरों ने बनाई है। जो साइज है वो 6.25 फीट है, बाकी आप जो बोलेंगे मैं वो साइज करके दूंगा। लकड़ा जो है वो शीशम है और हमने इसमें लेदर लगाया है। आजकल बहुत ट्रेंड में है लेदर। और दूसरा, लेदर में लेकर ये भी फायदा होता है कि ये गंदा नहीं होता है, नहीं तो फिर आप कॉटन में लेते हैं या सिल्क में लेते हैं तो every 2 months में आपको या तो उसको वॉश कराना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर निशान है तो आप इसे पानी से धो सकते हो। व्यूअर्स हैं जो लोग हमें कॉल करते हैं, मेरी टीम से बोलते हैं कि सर जब वॉश करके बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें भी जजमेंट आ जाता है कि हमें कॉटन में लेना है, सिल्क में लेना है या फिर वाटरप्रूफ लेदर या स्वेट में लेना है। तो जैसे ये परंपरा चलती आ रही है मैं वो परंपरा कंटिन्यू रखूंगा और मैं वॉश करके बताऊंगा। और मैं आप लोगों का जिन नहीं हूं, लेकिन आपकी हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करता हूं जो फर्नीचर की, तो ये डिमांड भी मैं ज़रूर पूरी करूंगा। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और बात बोल देता हूं, आपको जो भी फर्नीचर देखना है हैंडीक्राफ्ट में आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में भेजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा वो प्रोडक्ट दिखाऊं, लेकिन दिखाऊंगा हैंडीक्राफ्ट का। मैं कचरा प्लाईवुड फाइबर में काम करता नहीं हूं, मैं वापस बोल रहा हूं। प्लीज़ जो भी व्यूवर्स हैं जो कॉल्स करते हैं, प्लीज़ आप वुडन के बारे में पूछिए, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने देश के जो फर्नीचर है, जो देसी फर्नीचर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप देसी फर्नीचर की बात करेंगे, हमारे देश के फर्नीचर की बात करेंगे। आइए अभी मैं वॉश करता हूँ। ज्योति दी, थैंक यू। ये देखिए, इसको हमने ऐसे लिया और ऐसे किया। अब ये बताइए, ये दुनिया का कौन सा फर्नीचर है जो ऐसे वॉश करेंगे और कुछ नहीं होएगा? ऐसे ऐसे 10 बकेट भी डाल दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, कलर वलर उतरेगा नहीं इसका। ये देखिए, कैमरामैन मेरा पूरा हाथ दिखाइए, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ने तो हाथ ही नहीं दिखाया, तो मैं इसलिए गीला करके हाथ भी दिखाता हूँ। ये सॉरी, गंदा हो गया, इसे पानी साफ कर देना वीडियो के बाद। अगर मजा आया हो मेरा प्रोडक्ट देखने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी करो, किसका इंतजार है। और जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कर दीजिए, हिट नहीं करेंगे तो फिर पता है आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आया तो इतने प्यारे प्यारे वीडियो और प्रोडक्ट मिस कर देंगे आप। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए, वो है तो सब है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। This is a really lovely shop. It's got some stuff, some lights, and there's lots of decoration stuff here. You should come and check this place out. Yeah, collections मुझे काफी अच्छे लगे, काफी unique है, और आपको अच्छे से अच्छी चीजें select करने में help करता है, so काफी अच्छा experience रहा। Amazing. Hello guys. आप जरूर इनके shop पे visit करिएगा. This is Anas and he's the owner. एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका सामान, सारी वैरायटी बहुत एंटीक एंड ब्यूटीफुल है, आप जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच। सो ब्यूटीफुल विद आई वुड से डेफिनेटली अ रीजनेबल प्राइस, सो आई विल विजिट अगेन टू बाय मोर थिंग्स एंड आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट।